जी बेटे, आज का जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है वोलाटाइल ऑयल्स है। ठीक है बेटे, वोलाटाइल ऑयल्स कौन से ऑयल्स होते हैं या किन ऑयल्स को वोलाटाइल कहा जाता है? आपको पता है वोलाटाइल एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस भी ऑयल को असाइन की जाए उसका मतलब ये है कि वो जो ऑयल्स होते हैं वो अवेपोरेट कर सकते हैं, वोलाटाइल नेचर के हैं, यानी कि वो बुखार की जो नेचर है वो अवेपोरेटिंग है, वो अपने वेपर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो बेटे नाम ही बता रहा है वोलाटाइल ऑयल्स, यानी कि ऐसे ऑयल्स जो अवेपोरेट हो सकते हो। ठीक है, तो बेटे इन ऑयल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि ये रैपिडली फौरी तौर पर अवेपोरेट हो जाते हैं, और ये ज्यादातर बेटे ये वो मतलब ऑयल्स होते हैं जो मेनली एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल होने का मतलब मोस्टली प्लांट्स से लिए जाते हैं, और बेटे जो प्लांट सोर्स से आप एक्सट्रैक्ट्स लेते हैं ना उनकी एक स्पेसिफिक नेचर होती है और एक स्पेसिफिक उनका फ्लेवर, यानी कि एक स्पेसिफिक स्मेल एसेंशियल ऑयल्स, यानी कि एसेंशियल ऑयल्स बेटे उन कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट्स को कहा जाता है, उन कंसंट्रेटेड आप कह सकते हैं ऑयल्स को कहा जाता है जिनको आप प्लांट से हासिल करते हैं, और बेटे उनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है और एक स्पेसिफिक फ्लेवर होता है, इसलिए आप उनको कहते हैं कि वो एसेंशियल ऑयल्स है। बेटे एक बात बता दूं, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से मोस्टली एक आधा ड्रग आ जाता है। ठीक है, एक तो ये नेचुरली असली है, यानी कि कॉमनली यूज होने वाले ड्रग्स आएंगे इसमें सारे जो हमने देखने हैं। तो बेटे आपने इसको लास्ट में देखना है, बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को करना है। तो आपकी स्क्रीन पे भी बेटे शो हो रहा है कि वोलेटाइल ऑयल्स आर रैपिडली एवेपोरेटिंग ऑयल्स, कि बेटे ये फौरी तौर पर एवेपोरेट कर जाते हैं, बुखारात बनकर अपने वेपर बन स्प्रेड हो जाते हैं। स्पेशली कहा जाता है कि ये कंसेंट्रेटेड प्लांट एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, यानी कि ये आपके जो एसेंशियल ऑयल्स होते हैं ये कंसेंट्रेटेड, यानी कि बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं गाढ़े गाढ़े होने का मतलब क्या है कि जो इनके अंदर से मतलब आपका जो एक्टिव होता है ना उसकी कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, और उनकी एक स्पेसिफिक स्मेल और एक स्पेसिफिक फ्लेवर होता है, इसलिए आप इनको कहते हैं स्पेशली एन एसेंशियल ऑयल। कि बेटे ये एसेंशियल ऑयल होते हैं मतलब अगर किसी भी प्लेस के ऊपर, अगर आपके जैसे किसी भी सरफेस के ऊपर बेटे गिरते भी हैं या लगते हैं तो ये वहां पर कोई भी दाग नहीं छोड़ते। क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि बेटे ये फौरन वहां से अवेपोरेट हो जाएंगे, इसलिए इनका कभी भी स्टेन नहीं बनता। ठीक है, इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है आप वो देखते हैं कि बेटे ये ऐसे ऑर्गेनिक ऑयल्स हैं, ऑर्गेनिक ऑयल्स की नॉइज को कहा जाता है बेटे जिनके अंदर कार्बन लाजमी होगा और उसको आप प्लांट सोर्स से लेते हैं, उसको आप कहते हैं कि वो ऑर्गेनिक है। तो आप क्या कहते हैं कि बेटे ये ऑर्गेनिक ऑयल्स है, ऑर्गेनिक इन नेचर है, यानी कि इसके अंदर कार्बन लाजमी तौर पर पाया जाता है, उसके अलावा इनको आप लिविंग सोर्स से यानी कि पौधों से प्लांट से हासिल करते हैं, और बेटे इनके अंदर क्या होता है कि टर्पीन्स होते हैं। टर्पीन्स क्या होते हैं बेटे? टर्पीन्स एक एरोमेटिक रिंग को, एरोमेटिक रिंग क्या होता है बेटे, यानी कि जिस तरह बेंजीन रिंग नहीं होता बिल्कुल उस तरह के, मतलब इनके अंदर टर्पीन्स के अंदर वो स्ट्रक्चर होता है, और इनका जो फॉर्मूला है वो क्या है, C5H8n। ठीक है, यानी कि n होल नंबर है, n वन भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है आपका जो n है। तो बेटे उसके अकॉर्डिंगली जितना बड़ा n का नंबर होगा, यानी कि जितना ज्यादा n की वैल्यू होगी उतना ज्यादा कम्प्लेक्स टर्पीन होगा। तो आप कहते हैं कि टर्पीन्स क्या है, ये एरोमेटिक रिंग्स है, और बेटे इनका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है हमारे पास C5H8। C5H8 होने का मतलब क्या है कि बेटे ये क्या करते हैं कि इनके अंदर आगे होल एन है, जितनी ज्यादा आप एन की वैल्यू बड़ी करते जाएंगे उतना ज्यादा कम्प्लेक्स टर्पीन बनता है। ठीक है, एंड ईस्टर्स क्या होते हैं बेटे? ईस्टर्स ऐसे कंपाउंड को कहते हैं जिनको आप कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव करते हैं, यानी कि जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, COOH ग्रुप को कहा जाता है। ठीक है, अब बेटे वो COOH के एन से अगर आप हाइड्रोजन रिमूव कर दे और उसकी जगह पर कोई भी और ग्रुप लगा दे, ठीक है, जैसे आप CH3 भी इथाइल लगा सकते हैं, CH2 लगा सकते हैं, CH3 लगा सकते हैं, बेटे कोई भी आप ग्रुप जब उसके साथ अटैच कर दे, हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच कर दे, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कोई भी ग्रुप ऐड कर दे, लेकिन कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एंड से हाइड्रोजन को रिमूव कर दे और वहां पर आप वो ग्रुप अटैच करें तो उसको बेटे कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, हमारा ईस्टर है। ठीक है,
तो आप कहते हैं कि हमारे पास वोलेटाइल ऑयल्स ऐसे ऑयल्स होते हैं जिनको आप किसी भी प्लांट सोर्स से लेते हैं और बेटे उनके अंदर टर्पीन्स और ईस्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यानी कि उनके अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसको रिमूव करके और वहां पर आपका कोई भी एच को रिमूव करके वहां के कोई भी आपका मिथाइल, यानी कि जैसे COOH है ना, तो आप क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, वहां पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा देंगे COO, मिथाइल ग्रुप क्या होता है CH3, यानी कि COOCH3 बन जाएगा, तो वो बेटे एक ईस्टर है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है इस तरह ईस्टर्स अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा बेटे आपके टर्पीन्स प्रेजेंट होते हैं। टर्पीन्स का मैंने आपको बता दिया कि एक एरोमेटिक यानी कि एक रिंग रिंग की फॉर्म में बेटे ये बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, और ये रिंग में क्या होता है, रिंग का अगर आप फॉर्मूला देखें तो C5H8 को कहा जाता है। अब बेटे उसमें स्पेसिफिकली होगा क्या कि C5H8 में आपका आगे होल नंबर यानी कि होल ब्रैकेट n हो जाता है। अगर n हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 2 है, तो कार्बन 5 था, 5 2 10 यानी कि 10 कार्बन, और हाइड्रोजन 8 थे, 8 2 16 यानी कि C10 और H16 आपके पास टर्पीन, यानी कि वो फॉर्मूला बन रहा है। तो ये उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला बना दिया, जिस तरह बेटे हमने उसके अंदर बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या फॉर्मूला था, CnH2O होल n, उनका ये फॉर्मूला था। इसी तरह टर्पीन्स का भी ये फॉर्मूला होता है, और बेटे इनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है और एक स्पेसिफिक फ्लेवर होता है इनका। जिस भी आप प्लांट्स इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, उसके बाद इनका एक स्पेसिफिक फ्लेवर होता है और एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, जिसकी वजह से आप इनको एसेंशियल ऑयल्स भी कहते हैं। तो बेटे ये आपके कहलाते हैं वोलेटाइल ऑयल्स, यानी कि अभी तक जो हमने बात पढ़ी कि बेटे वोलेटाइल ऑयल्स वो ऑयल्स होते हैं जो फौरी तौर पर अवेपोरेट कर जाएंगे, यानी कि अपने वेपर्स में कन्वर्ट, बुखारात में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरी बात हमने क्या देखी कि बेटे ये ऐसे ऑयल्स हैं जिनको हमेशा किसी भी नेचुरल सोर्स से यानी कि मोस्टली प्लांट से लिया जाता है, ठीक है। तीसरी बात हमने ये देखी कि बेटे हमारे पास ये ऑयल्स होते हैं, इन ऑयल्स के अंदर हमारे पास एक मिक्सचर होता है, मिक्सचर किन कंपाउंड्स का होता है, टर्पीन्स का और ईस्टर्स का, यानी कि बेटे ये उन्होंने केमिकल स्ट्रक्चर की बात की है कि केमिकली अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर टर्पीन्स और ईस्टर्स होते हैं। वो टर्पीन्स और ईस्टर्स की बेटे वजह से क्या होता है कि इनकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है और एक इनकी स्पेसिफिक फ्लेवर होता है, और इस वजह से आप इनको कहते हैं कि ये आपके वोलेटाइल ऑयल्स हैं। बेटे एक इनकी प्रॉपर्टी है कि ये कभी भी स्टेन नहीं छोड़ते। स्टेन ना छोड़ने का मतलब क्या है कि बेटे ये फौरी तौर पर वहां से एवेपोरेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पर कोई भी स्टेन नहीं रहता, ठीक है। अगर आप आगे देखें बेटे मेडिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, मेडिकली इंपॉर्टेंट प्लांट्स कौन से होते हैं हमारे पास, जैसे फेनल है, ठीक है। फेनल में बेटे हमारे पास क्या है, सौंफ भी जिसको कहा जाता है। अगर आप घरों में बेटे मोस्ट कॉमन आपके पास जो ड्रग है ये, जैसे सौंफ है, दालचीनी है, इलायची है, वो बेटे सारे वोलेटाइल ऑयल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो आपका जो सबसे पहला ड्रग है वो है फेनल। फेनल बेटे आपको पता है इसका कॉमन नेम सौंफ होती है, जो इसे आपको ये नीचे डायग्राम में भी शो हो रहा है कि बेटे आपकी सौंफ ये उन्होंने दिखाई हुई है, घर में भी होती है, सबने देखी होगी, मोस्ट कॉमन ड्रग है ये। केमिकल क्लास बेटे आपको पता है हम इसकी पढ़ रहे हैं वोलेटाइल ऑयल्स, तो ऑब्वियसली ये वोलेटाइल ऑयल से बिलोंग करते हैं, इनकी प्रॉपर्टी है कि वोलेटाइल नेचर के हैं, तो बेटे आप इनको कह देते हैं कि ये वोलेटाइल ऑयल्स हैं। और बेटे इसका जो बायोलॉजिकल सोर्स है ना, वो है हमारे पास फॉर्निक्यूलम वल्गेरे, ठीक है। बेसिकली जो फॉर्निक्यूलम वल्गेरे हमारे पास बेटे प्लांट है, उससे क्या किया जाता है कि उसका फ्रूट लिया जाता है, उसके फ्रूट यानी कि पके हुए फ्रूट को लेकर आप ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद हमें वहां से फेनल यानी कि सौंफ ऑब्टेन होती है, तो उसको आप कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, फॉर्निक्यूलम वल्गेरे है, या उस पौधे से जो हम ड्रग ले रहे हैं वो हमारे पास सौंफ है यानी कि फेनल है, ठीक है, फॉर्निक्यूलम वल्गेरे बेटे। उसके बाद अगर बेटे आप इसकी फैमिली देखें तो हर प्लांट की आपको मैं ऑलरेडी हम लोग पहले भी प्लांट स्टडी कर रहे थे, आपको पता है कि हर प्लांट की एक स्पेसिफिक फैमिली होती है, उस स्पेसिफिक फैमिली की वजह से ही उसके मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उस मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया जाता है, ठीक है। और वो फैमिली हमारे पास है अम्बेलीफेरी, ठीक है, अम्बेलीफेरी बेटे फैमिली है, इसके स्पेसिफिक करेक्टर्स हैं, इसलिए इस सौंफ को इस क्लास में रखा गया। उसके बाद बेटे हमारे पास है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स अगर आप देखें तो बेटे उसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और चैबिकोल है, ठीक है, एनिथोल, इसके अंदर बेटे हमारे पास डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, एनिथोल है, ये बेसिक इंग्रीडियंट बेटे जी, और बेटे आप इसी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से इसके मेडिसिनल पर्पस होते हैं। अब आपने सुना होगा, सबको पता है कि घरों में क्या किया जाता है, फेनल का यानी कि सौंफ का एक कैबा बनाया जाता है, ठीक है, यानी कि अब सौंफ की, अब ऑब्वियसली इसकी कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी है,
ज्यादा गर्मी होती है तब ज्यादातर सौंफ का कहवा पिया जाता है। तो बेटे इसका मतलब क्या है कि ये इनडाइजेशन को या ये जो गैस इश्यू होता है, ब्लॉटिंग होती है, बेसिकली ये उसको रिलीव करता है। ठीक है, तो आप कहते हैं कि जो हमारे पास है फेनल है, इसके बेटे मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स और मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स की डिफरेंट मेडिसिनल पर्पजेज है। तो जो पहला मेडिसिनल पर्पज हमारे पास उन्होंने बेटे बताया हुआ है वो है फ्लेवरिंग एजेंट के। बेटे आपको पता है कि इसको फ्लेवर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ डिशेज के अंदर या मुख्तलिफ फूड इंडस्ट्री के अंदर भी इसको फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा उसके बाद बेटे सेकंड बात क्या है कि कार्मिनेटिव के तौर पर काम करता है। कार्मिनेटिव बेटे कौन से ड्रग्स होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो फ्लैचुलेंस को, यानी कि जब गैस क्रिएट हो जाती है आपके मेदे में या आपके पेट में, आपने अक्सर सुना होगा बुजुर्ग हजरात से भी कहते हैं कि हमें गैस के इशू को रिलीव करने के लिए आप क्या करते हैं, आप फेनल यूज करते हैं। उसके अलावा स्टमकिक है, स्टमकिक बोलते हैं बेटे जो आपके निजाम को बेहतर करता है, यानी कि आपकी डाइजेशन का अमल होता बढ़ाता है, उसको आप कहते हैं कि वो स्टमकिक है। ठीक है, उसके अलावा है एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट बेटे क्या बोलते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जैसे चेस्ट इन्फेक्शन हो या कुछ भी ऐसा, तो बेटे उसमें सीने के ऊपर क्या होता है कि छाती के ऊपर ना रेशा बलगम सी बन जाती है। तो बेसिकली ये एक्सपेक्टोरेंट के तौर पर काम करता है कि बेटे ये वहां से बलगम को, या आप कह सकते हैं जो वहां पर एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन हो गई हुई है उसको रिमूव करवाता है, उसको आपकी बॉडी के अंदर से क्लियर करता है। और लास्ट में बेटे स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट का मतलब क्या है कि ये सीएनएस स्टिमुलेंट के तौर पर भी काम करता है, यानी कि बेटे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट कर देगा, अलर्ट कर देगा और एनर्जेटिक कर देगा। ठीक है, अगर आप सेकंड नंबर पर देखें तो बेटे सेकंड नंबर पर जो ड्रग है हमारे पास वो है कैरावे। ठीक है, कैरावे बोलते हैं बेटे जीरे को। ठीक है, आप देख भी रहे हैं सामने डायग्राम में, घर में भी सबने देखा हुआ है। अब एक होता है मतलब सफेद जीरा भी होता है, ब्लैक होता भी है, काला जीरा भी होता है, लेकिन बेटे ये उसके स्पीशीज का डिफरेंस है, लेकिन आपका जो ड्रग है इसकी प्रॉपर्टीज वही है, मेडिसिनल पर्पस इसका वही है, जिसको आप जीरा भी कहते हैं या बेटे जो इसका साइंटिफिक नेम है आप इसको कैरावे भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, केमिकल क्लास आपको पता है इसका, देखे तो बायोलॉजिकल सोर्स में उन्होंने बताया हुआ है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राई फूड ऑफ कैरम कैरवी, कि बेटे आपका बेसिकली जो प्लांट नेम है ना जहां से आप ये ड्रग हासिल करते हैं, यानी कि जीरा जहां से लेते हैं, उस प्लांट का नेम है कैरम कैरवी। ठीक है, कैरम कैरवी बेटे प्लांट है, उसका जो फल होता है जो बेसिकली फ्रूट होता है ना, उसको जब वो पक जाता है, पक के बेटे उसको ड्राई किया जाता है, तो उससे फिर जीरा हासिल किया जाता है और इसी को फिर आप बतौर ड्रग इस्तेमाल करते हैं। अब बेटे इसकी भी स्पेसिफिक फैमिली है, जिस तरह हमने फेनल की पढ़ी बिल्कुल इसी तरह बेटे इसकी भी फैमिली है। जैसे फेनल की फैमिली बेटे एम्बेलिफ्री थी, इसकी फैमिली है हमारे पास, आपके पास एम्बेलिफ्री सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। सेम फैमिली से बिलोंग करने का मतलब क्या है कि बेटे जो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो, यानी कि जो इनकी केमिकल एक्टिविटी है, जो इनका पर्पस है वो बिल्कुल सेम है। इस वजह से आप इसको एम्बेलिफ्री फैमिली में, यानी कि इनके जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो इनकी खसूसियात है वो सेम है, इसलिए आप इनको एक फैमिली में रखते हैं। दूसरी बात बेटे आगे इसके देखें तो वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए हुए हैं कि इसके अंदर कौन कौन से केमिकल इंग्रेडिएंट्स होंगे, कार्बोन, कार्बियोल और लिमोनीन। ठीक है, बेसिक ये तीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कार्बोन, कार्बियोल और लिमोनीन। ठीक है, अब बेटे इन्हीं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की वजह से आपकी प्लांट की जो है आपके ड्रग की एक्टिविटी होती है। और बेटे एक्टिविटी हमारे पास क्या है कि फ्लेवरिंग के तौर पर, यानी कि बेटे आपको पता है इसको फ्लेवरिंग एजेंट के लिए मुख्तलिफ फूड आइटम्स में एड किया जाता है। उसके अलावा बेटे इसका भी एक्शन जो है वो कार्मिनेटिव है। कार्मिनेटिव मैं आपको बता चुकी हूँ, जब आप फ्लैचुलेंस को रिलीव करना चाहती हूँ, जब आप गैस इश्यू को रिलीव करना चाहते हो अपनी बॉडी में से, तो आप क्या करते हैं कार्मिनेटिव्स को यूज करते हैं। वो कार्मिनेटिव हमारे पास फेनल भी एक कार्मिनेटिव है और जीरा भी एक कार्मिनेटिव है। और लास्ट में बेटे एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है बेटे, ऐसे ड्रग्स को आप एक्सपेक्टोरेंट कहते हैं जो आपके बेटे बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर जब किसी भी इन्फेक्शन के बरस आपकी बॉडी के अंदर जब म्यूकस प्रोडक्शन एक्सेसिव हो जाती है ना, यानी कि जब आपका, आप कहते हैं कि जो म्यूकस आपका स्टिकी फ्लूड बनता है छाती के ऊपर, जब रेशा ज्यादा बन जाता है, या वैसे आपका एक्सपेक्टोरेंट एक्शन के लिए एक्सेसिव म्यूकस को आपकी बॉडी के अंदर से रिमूव करने के लिए, अगर बेटे आप देखें ना मार्केट के अंदर भी मुख्तलिफ एक्सपेक्टोरेंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे रेल्टस है,
रेल्टस एक एक्सपेक्टोरेंट है। तो बेटे ये जो रेल्टस है इसका बेसिकली काम क्या होता है कि जो म्यूकस प्रोडक्शन हो गई हुई है आपको आफ्टर इन्फेक्शन, तो उस म्यूकस को वो रिमूव करवाता है ताकि जो आपके एयर पैसेजेस हैं या आपका जो ये सारा ट्रैक्ट है उसको क्लियर किया जा सके। ठीक है।